निश्चित रूप से देखिए, ये तो लिटमस टेस्ट कर रहे थे, इनको जो विरोधी हैं उसको दबा देना चाहते हैं, कुचल देना चाहते हैं, विरोध का स्वर इनको बर्दाश्त नहीं, क्योंकि मैं वहां दुर्ग में धरना प्रदर्शन में जा रहा था, मेरी ड्यूटी वहां लगी थी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मेरी ड्यूटी लगाई थी, दुर्ग में मैं दुर्ग जा रहा था, मेरा प्रोटोकॉल जारी हुआ, मुझे रोका गया, इसकी राष्ट्रीय राजमार्ग में रोक के रोकना, इसका क्या उद्देश्य है उनका, जबकि कह रहे हैं कि आतंकी हमला हुआ है, तो आतंकी हमला हुआ तो जाओ थाना में बताओ भाई, मुझे रास्ता, मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो। ये स्पष्ट संदेश है कि आप प्रजातांत्रिक तरीके से कोई धरना आंदोलन प्रदर्शन करेंगे तो आपको बर्बरतापूर्वक दबा दिया जाएगा, ये स्पष्ट संदेश है। और हम प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, और संविधान, संवैधानिक जो हमको अधिकार मिला हुआ है उसका हम प्रयोग करते हुए प्रोटेस्ट करेंगे, हम डरने वाले नहीं है, कितना भी शक्ति का ये लोग प्रयोग कर ले। सरकार किस बात से डरेगी, डरने का कोई सवाल नहीं है, और पुलिस तो अपना कार्यवाही करेगी ही, कहीं कोई नियम कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो पुलिस उसके लिए है ही है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी, आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और इस समय चर्चा में आने की वजह से, जी हां, इस समय राजनीति कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर चर्चा हो रही है, और एक तरीके से वही आज के राजनीति के केंद्रित मुद्दा हो गए हैं। 24 तारीख को जो एक घटनाक्रम हुआ जिसमें उनकी गाड़ी रोकी गई, और उसके बाद लगातार रोज एक न एक ऐसी घटनाक्रम हमें देखने को मिल रहे हैं जिससे कि एक तरीके से मैसेज जा रहा है कि कहीं बघेल टारगेट तो नहीं है, और उस टारगेट की वजह क्या हो सकती है, क्या इसके पीछे के राजनीतिक मायने हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे, हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में शिव सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी, और इस पूरे प्रकरण में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी भिलाई नगर निगम नगर के जो नेता प्रतिपक्ष हैं भोजराज जी, वो मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, और जैसा कि हम रिपोर्ट के जरिए, बयान के जरिए बता चुके हैं कि क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, और उसके बाद वो किस दिशा में जा रहा है, जिसमें बघेल ये कह रहे हैं कि मुझे टारगेट किया जा रहा है और कांग्रेसियों को रोकने की कोशिश की जा रही है, क्यों ये बीजेपी कोशिश करेगी, और आखिर क्यों बघेल को बार बार टारगेट किया जा रहा है, पहले बीजेपी से ही समझ लेते हैं। भोजराज जी हमारे साथ हैं। भोजराज जी, बघेल जी लगातार बयान दे रहे हैं, ट्वीट भी उन्होंने किया है, पुलिस को उन्होंने चेतावनी दी है, आज उन्होंने आरोप भी लगा दिया कि वो सरकार के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, इसलिए उनको सॉफ्ट टारगेट मानकर उनको निशाने में लेने की बीजेपी कोशिश कर रही है, सरकारी तरीके से भी और गैर सरकारी तरीके से भी। जी एक्चुअल में क्या है, जब उस रोड पे धरना प्रदर्शन चल रहा था, वहां से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का काफिला जा रहा था, उस धरना प्रदर्शन में किसी भी प्रकार का, जिस प्रकार से वीडियो दिखाई में दे रहा है या समझ में आ रहा है, किसी भी प्रकार का मुख्यमंत्री जी के, पूर्व मुख्यमंत्री जी के काफिले को रोकने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। स्वयं मुख्यमंत्री जी वहां उतरे हैं, मुख्यमंत्री जी अपने आप में अभी भयभीत हो चुके हैं, महादेवाड़ी जैसे मामले में तमाम प्रकार की जब बातें आई हैं, और आपने जिस प्रकार से कहा कि यह देवेंद्र यादव वाली जब बात की गई तो उस पूरे मामले से वो कोताहूल है, अपने आप में भय में है, उसमें कहीं पे भी धरना प्रदर्शन के द्वारा मुख्यमंत्री जी का काफिला को नहीं रोका गया था, और मुख्यमंत्री जी स्वयं अपनी गाड़ी से उतरे थे। नहीं, वो गाड़ी से उतरे ठीक है, चलो ये बात आई गई हो गई, अगर सुरक्षा में सेंध हुई है तो इसकी जांच हो जाती, जो लोग आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता, लेकिन हम देख रहे हैं कि
इसके बाद बीजेपी प्रदर्शन करती है, फिर लाठी चार्ज हो जाता है, ये मामले को तूल दिया जा रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के भिलाई नगर निगम के, भिलाई तीन नगर निगम के जो सभापति है और वहां के जो पार्षद उनके साथी जो है, चाहे वो कृष्णा चंद्राकर में जो लड़के लोग कार्य कर रहे थे, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया कि ये मुख्यमंत्री जी के काफिले को रोका गया है, उनके उनके घर में जाकर के उनके परिवार को डांट करके उनके जीन से वहां से उठा करके ला करके अपने गाड़ी में उनको बिठा करके ला करके मार के थाने में लेना लाना और थाने में पटक करके उनको मारना टीआई के सामने, ये निश्चित कहीं ना कहीं एक अपने आप में अपराध है। और जिस प्रकार से भारतीय न्याय संहिता का इन्होंने जो उल्लंघन किया है वो अपराध की दृष्टि से आता है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे जाकर के थाने में निवेदन किया है कि जिस प्रकार से जी इन्होंने अपने स्तर पे काम किया है, जिन्होंने मारपीट का काम किया, उनको अगवा करने का कार्य किया है, किसकी गिरफ्तारी होने होना चाहिए, जिसके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी जाकर के थाने में निवेदन करके अपना जो भी अपना प्रदर्शन करके उनकी गिरफ्तारी की मांग की। किसी भी प्रकार के भारतीय जनता पार्टी ने एक ही चीज देखा कि कार्य का जो जिस प्रकार से वहां के सभापति और वहां के महापौर और वहां के कार्यकर्ताओं के द्वारा वहां के लोगों को ला करके उनके घर से उठा करके ला के मारा गया, बजरंगी बोल करके, बजरंगी है, इन्होंने हमारे काफिला रुकवाया, हमारे मुख्यमंत्री का काफिला रुकवाया, वो माननीय पाटन के विधायक भूपेश बघेल के इशारों पर उन्होंने किया, जो कि निश्चित कहीं ना कहीं ये द्वेषपूर्ण ये होता है। आपके आपको इस राज्य के पुलिस अधिकारी के पर विश्वास रखना चाहिए था और निश्चित पुलिस अधिकारी उनकी कार्रवाई करते, ना कि ये खुद जाकर के उनके घर से, जिस प्रकार से पूरे 5 साल के अंदर में इन्होंने गुंडागर्दी की है, उसी स्तर पे जिस प्रकार से पूरे शहर को, पूरे राज्य को इन्होंने गुंडागर्दी, महादेव सट्टा और दारू का अपराधगर दुनिया भर बना के रखे थे, आज इनका मनोबल टूट नहीं रहा है। इन लोग आज भी लग रहा है कि ये भूपेश सरकार की भ्रष्टाचारी सरकार, दारू वाली सरकार है, अब भूल जाएंगे, ये विष्णुदेव की साय की सरकार है, जो भी कार्य डिसीजन करेंगे जनता हित में, छत्तीसगढ़ के हित में करेंगे। ठीक है, चलिए, ये रहा बीजेपी का पक्ष और बीजेपी के पक्ष में कुछ तर्क। ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं इस मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। शिव सिंह ठाकुर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी बच्चे को जीम से उठा करके उसके परिवार के सामने जीम से उठा करके मारना किस चीज को बताते हैं। ठीक है, चलिए, अब आपसे और प्रतिक्रियाएं लेंगे, लेकिन पहले चलते हैं शिव सिंह ठाकुर जी के पास। ठाकुर साहब, बघेल जी एक बड़े कद के नेता हैं और चीजों को समझते भी हैं, विरोध प्रदर्शन तो झेलना का आदत भी होता है मुख्यमंत्री की, कि भाई कई विरोध होते हैं, सामने बात रखने की कोशिश करता है, कोई आदमी तैश में भी आ जाता है। ये बजरंग दल के विरोध के बाद इतना विचलित क्यों दिख रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल? देखिए मोहन जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जो पुलिस जो है बड़ौदा बाजार वाले प्रकरण में जो हमारे विधायक को जो फंसाया गया है षड्यंत्र पूर्वक देवेंद्र यादव को, उसको लेकर एक पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन थे। और वो मुख्यमंत्री है, उनका प्रोग्राम जो है वो पूरा जो है एक दिन पहले पूरा पुलिस प्रशासन को, आईजी को, एसपी को, संबंधित जो भी खुफिया विभाग है उनको उनका प्रोग्राम जारी हो जाता है। जब पूरा प्रोग्राम जारी था और वहां पे अगर बजरंग दल वाले, मेरी जो जानकारी में वहां के हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी से पूछा हूं कि हमारे वहां पे धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा था, आपसी कुछ वहां पे जो है छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ था, उसको लेकर वहां पे बजरंग दल के लोग जो है उपद्रव मचा रहे थे। जब भूपेश बघेल जी उस तरफ से जा रहे थे तो पुलिस प्रशासन को, जब उसके जेट प्लस उनको सुरक्षा है, पुलिस प्रशासन को वहां के संबंधित थानेदार को सूचित करना चाहिए कि सर वहां पे मान लो हाईवे जाम है या धरना प्रदर्शन चल रहा है तो आप उधर से ना जाए, वो दूसरे रास्ते से जाते। और दूसरे रास्ते जब वहां पे पता चला, वहां जाने के बाद जब चक्का को, हाईवे को, रोड को जाम कर दिया गया है, हाईवे को जाम नहीं किया जाता है, बजरंगियों द्वारा उपद्रव किया जा रहा है, जब उनको पता चला तो वो दूसरे तरफ से मोड़ के अब जा रहे थे। लेकिन बजरंगियों ने जो है, जो आदतन अपराधी है, जो केवल गुंडागर्दी करते हैं बजरंग दल वाले, वो लोग जो है जब पीएसओ के साथ उनके बदतमीजी करने लगे, जब हुज्जत करने लगे, तब भूपेश बघेल जी ने उतर के समझाने की कोशिश की,
उसके बाद भी ये असंवैधानिक लोग समझने की कोशिश नहीं किए, और जिस प्रकार से भूपेश जी के साथ जो है बुतमीजी किए, उनके पीएसओ के साथ किए, उसके बाद हमारे कांग्रेस के वर्करों ने जो जाके थाने में रिपोर्ट लिखाया, अब हमारे जो है जब नामजद रिपोर्ट दर्ज हो गया है, किसी को पकड़ नहीं रही थी, तब जब पुलिस प्रशासन निरंकुश हो गया है, अपराध हो रहा है, पुलिस जो है निरंकुश हो गई है, तब हमारे कांग्रेस के वर्करों ने उस व्यक्ति को नहीं, जो तो क्या मारपीट करना चाहिए, मारपीट नहीं किए, थाने में ले जाके उनको पेश किए, दिखाए ये देखिए ये अपराधी है, तुम आज 24 घंटा होने जा रहा है और अपराधी घूम रहे हैं खुलेआम, जो मुख्यमंत्री भूपेश जी के ऊपर जब हमला हो रहा है, उसके पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर हमला हो रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, तो आम जनता का क्या हाल होगा, आम जनता के साथ क्या होगा। मान लीजिए मोहन जी कि एक एक्स सीएम को जो जेड प्लस जो है सुरक्षा है, उसको जब पुलिस प्रशासन सुरक्षा नहीं दे पा रही है, उनकी हिफाजत नहीं कर पा रही है, तो आज छत्तीसगढ़ के आम जनता को क्या होगा, ये सोच लीजिए। आम जनता इतनी डरी हुई है कि घर से निकलना मुश्किल हो गया है, आए दिन चाहे वो बालोद की घटना हो जाए, चाहे रायपुर शहर राजधानी में देखो इतना घटना हो जाए, दुर्ग की घटना, हमारे मुख्य पूर्व मुख्यमंत्री जी को जानबूझ के जहां भी धरना प्रदर्शन में जाते हैं, वो ये छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार उनको रोकने का प्रयास कर रही है। बघेल जी से कोई डर है क्या? बघेल जी एक चेहरा है कांग्रेस के, इसलिए उनको उनके खिलाफ इस तरीके की रणनीति बनाई जा रही है क्या? मेरे से बोले कांग्रेस प्रवक्ता जी का कहना है कि मुझे जिस प्रकार से वहां के कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कान की सुनी बातें बोल करके आप प्रवक्ता के तौर पे आ रहे हैं, ये उचित नहीं है। आप वास्तविकता के तौर पे आइए, हाँ बताइए, आप भोजराज जी वहीं के स्थानीय हैं, आप बताइए कि ये बजरंग दल वाले आखिर प्रदर्शन क्यों कर रहे थे और बघेल जी से उनको क्या लेना देना था? वहां पे जिस प्रकार से जेट सुरक्षा वाली बात है, वहां पूरे पुलिस तैनात थे, वहां पे सभी तैनात थे, वहां पे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी स्वयं उतरे वहां पे, और पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, आपको वहां पे गेट पर सुरक्षा है, आपको रुकने नहीं चाहिए, आपको जाना चाहिए सीधा सीधा रास्ता, वहां पे पूरा ट्रॉफी भोजराज जी, ये आखिर बजरंगी चाहते क्या थे, जो बजरंग दल के लोग थे भोजराज जी, वो बघेल जी से क्या चाहते थे? कुछ भी नहीं था बजरंगी जी से, उस काफिले से कोई लेना ही नहीं था, वहां पे उनके धरना प्रदर्शन चल रहे, जिस तरह से घटने को लेकर के वहां धरना प्रदर्शन चल रहा था, आप गेट गेट प्लस सुरक्षा तैन है, आपको तो अपनी गाड़ी से उतरने का अधिकार ही नहीं है, आप जान बुझ करके यहाँ पे बढ़ावा देने का काम किया और वहां जाकर के देने का काम किया, और आप सदाधीन, आप राम के नाम से चिड़ने वाले लोग हैं, आप बजरंग जी के नाम से चिड़ने वाले लोग हैं, आपकी पार्टी उस लाइक हो गई है कि राम भगवान हार गया, पूर्व मुख्यमंत्री राम भगवान के क्षेत्र में हार गए आप लोग। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप उस कारण से मुख्यमंत्री जी के अयोध्या में हार गए चुनाव, आप अभी राम को छोड़ दो, अब आप महंगाई देखो, अयोध्या में हार गए आप राम को, हम लोग आपको तो कुछ मालूम ही नहीं हुआ कि कार्यकर्ता बता रहे, आपके संज्ञान में ही नहीं हुआ कि क्या 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 घटना घटी है वहां पे, हम लोग थे, हमारे स्तर पर हम लोगों ने देखा है वहां पे एक्चुअल में क्या हुआ है वहां पे, उस घटना को लेकर के जिस प्रकार से घटना घटी है, उस घटना को लेकर के वहां पे वहां के लोकल लोग, वहां के कुछ बजरंग दल के कुछ लोग वहां पे नारा लगा रहे थे, वहां से गेट पर सुरक्षा सीएम साहब की जा रही थी, कहीं पर दिक्कत नहीं था, मुख्यमंत्री जी स्वयं उतरे, चलिए मुख्यमंत्री जी उतर के समझ में आता है। इसके बाद आप 24 तारीख की घटना को लेकर के आपको 24 घंटे का समय आप नहीं दे रहे हो, और आप पूरे कानून अपने हाथ में आपके कार्यकर्ता ले ले रहे हैं, नगर निगम के अंदर में महापौर जैसे संवैधानिक जगह में बैठ करके, सभापति जैसे समाज संवैधानिक जगह में बैठ करके, वहां के पार्षदों ने पूरे कानून को ले लिया अपने हाथ में, जाकर के उसके घरों में घोद रहे, बच्चों के घर में घोद रहे, उसके जींस उठाकर लाके मार रहे, ये अत्याचार है, गुंडागर्दी। भूपेश बघेल 5 साल पूरे शहर में पूरे राज्य में गुंडागर्दी किए हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में आकर के वो नगरीय निकाय से लेकर किसी भी विभाग में हो,
जिस प्रकार से आप गुंडागर्दी की है, अब वो गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये विष्णुदेव साय की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो भी कुछ करेगा बिल्कुल उस पर भारतीय न्याय संहिता के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी हो। ठीक है, चलिए, ये तो कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है। बाबूलाल शर्मा जी से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, वो ज्यादा अच्छे से राजनीतिक रूप से इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण कर पाएंगे, लेकिन उनसे संपर्क हम अभी नहीं कर पाए हैं। बाबूलाल जी, मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? ठीक है, चलिए, अब जो फिर से चलते हैं कांग्रेस की ओर और कांग्रेस से ये जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, राजनीति में शिव जी ऐसा मुद्दा बनाया जाता है ताकि दूसरा मुद्दा दब जाए। कांग्रेस पर यह आरोप लग रहा है कि देवेंद्र यादव का मुद्दा जोर शोर से उठ गया था, पूरे प्रदेश में उसी की चर्चा थी, इसलिए इस मुद्दे को दबाने के लिए ये मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस उस ट्रैप में आ गई और कांग्रेस अब बघेल जी के पीछे दौड़ रही है, देवेंद्र को भूल गई। क्या ये सही है? नहीं, देखिए मोहन जी, ये बिल्कुल सही नहीं है। देवेंद्र यादव के साथ भी पूरा कांग्रेस पार्टी खड़ा है, सभी राष्ट्रीय स्तर के नेता हमारे प्रभारी सचिन पायलट जी आए थे, पूरी प्लानिंग हुई, सभी नेता लोग जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं, ऐसा कोई ये अफवाह है? लेकिन जो है और भी आगे देवेंद्र यादव को रिहाई के लिए भाजपा के प्रवक्ता महादेव ऐप के लिए बोल रहे थे, महादेव ऐप आज 10 महीना 8 से 9 महीना होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अभी भी महादेव ऐप चल रहा है, अब सीबीआई देने की बात कर रहे हैं। हमारे सरकार में, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार में लाठी चार्ज नहीं हुआ, एक भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बता दे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो है लाठी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का निर्देश था कि लोकतंत्र में आंदोलन करने दिया जाए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, आंदोलन जो करता है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आंदोलन, कभी भी लाठीचार्ज नहीं किए, सख्त निर्देश था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने वालों को दबाने का कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जब थे तो 5 साल उन्होंने लाठीचार्ज नहीं करवाया, और बल्कि पुलिस वालों को सख्त हिदायत थी कि किसी भी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये बजरंग दल के लोग अगर कुछ, जबकि आपको मालूम होगा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह मुख्यमंत्री ने बजरंग दल के लोगों को दौड़ा दौड़ा के मरवाया था, दौड़ा दौड़ा के मराया था सड़क पे, लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किए, एक सच्चा, एक अच्छा जो है माहौल दिए, और अभी 9 महीना नहीं हुए हैं सरकार को, जो इतिहास में ऐसी घटना घट गई कि देश क्या विदेश में आज तक एसपी कार्यालय, एसपी कार्यालय और जिला कार्यालय को जो है जला दिया गया है, पूरा हिंदुस्तान, तो पूरा छत्तीसगढ़ में अभी देखिए, एक पोस्टमैन को, बालोद की शायद मेरे ख्याल से घटना है, एक पोस्टमैन को भारतीय जनता पार्टी के नेता सरपंच इतना दबाव डाले कि उसका मर्डर करने लग करना पड़ गया। अभी कुछ दिन पहले यहाँ हमारे पड़ोस थोड़ा दूर में दिया गया, घटना पे बात करिए ना, ये भाई ये, बता रहा हूँ मोहन जी कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो है कार्यकर्ता लोग दादागिरी कर रहे हैं, किस बजरंग दल के लोग, ठीक है, मर्डर करने, आपका सवाल आगे भोजराज जी, ये आरोप अगर कांग्रेस लगा रही है कि लाठीचार्ज हुआ, जानबूझ के टारगेट किया गया कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, ये भी तो सही है, आखिर इसकी जरूरत क्या थी? प्रदर्शन करते, प्रदर्शनकारी चले जाते, कौन सा बड़ा प्रदर्शन था कि लोग परेशान थे या कोई हमला हो जाता, इतना लाठीचार्ज करने की क्या जरूरत थी? शिव जी, पिछले 5 साल में 1825 दिन होते हैं, जितनी हत्याएं और जितने बलात्कार हुए हैं इतिहास में छत्तीसगढ़ में कभी नहीं हुआ होगा, और जितने भारतीय जनता पार्टी वाली बात कर रहे हैं, लाठीचार्ज वाली बात कर रहे हैं, मैं पूरे जिस दिन बैठेंगे पूरे डाटा के साथ बैठ के बताऊंगा कितने लाठीचार्ज और कितने का मर्डर हुआ कार्यकर्ताओं का। ये ना बताएं असलियों की बात करके भारतीय जनता की पार्टी के हमारे बस्तर के साथियों को मारा गया, और आप नहीं मारे, एक भी सीबीआई जांच कर रहा है कि आपके भाजपा कार्यकर्ताओं को। चलिए, ये लाठीचार्ज की जरूरत क्यों पड़ी ये बता दीजिए भोजराज जी, ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई थी जिससे कि लाठी चार्ज करना पड़ा? के इनके द्वारा निरंतर, अभी जब से देवेंद्र यादव जी के ऊपर में बलौदा बाजार जैसे
मामले में धारा 436 जो लगा, जो इतिहास में इतनी बड़ी घटना, एक कलेक्टर के बंगले, कलेक्टर ऑफिस को जला देना, और इतनी बड़ी तादाद में 20,000 आदमी का भी पूरी जांच निकलेगी। सर मैं आपको बताना चाहता हूं, निश्चित इस चीज पे पूरी ये घटना घटेगी। ये बौखलाए हुए हैं, सबसे ज्यादा बौखलाहट तो तब हुई है जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने महादेव आईडी को जब सीबीआई के हवाले कर दिया, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और सीबीआई के आने के बाद से पूरा महादेव आईडी बंद करने के इनके अंदर में दे दिए। तब से बौखलाए हुए हैं, इनके मुख्यमंत्री जी बौखलाए हुए हैं, और इनके जितने भी कार्यकर्ता है, अपने मुख्यमंत्री अपने आंखों को खुश करने के लिए गरीब और जो बच्चे, जो निर्दोष बच्चे, उनको निकाल निकाल के मारा जा रहा है, थाने में ले जाकर के बताया जा रहा है, जो भारतीय नागरिकता का उल्लंघन है। और ये बौखलाहट है के पूरे पांच छत्तीसगढ़ सरकार को यहां के कर्म पूरे करवा दीजिए, सीबीआई को देने के पहले छत्तीसगढ़ में और बंद करा दीजिए। इनके द्वारा निरंतर पूरे 5 साल में सिर्फ दारू के कारोबार चल रहे क्या? चलिए इस पूरे घटनाक्रम पर और इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप पर एक टिप्पणी ले लेते हैं। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बाबूलाल जी, आप इस पूरे प्रकरण से भिग हैं, सारी चीजें जानते हैं। 24 तारीख को घटनाक्रम और 28 तारीख हो गई है और लगातार इस पर विवाद बना हुआ है, क्या देख रहे हैं? इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह भी है क्या? मामले को तुल दिया जा रहा है, बघेल को मुद्दा बनाया जा रहा है, देवेंद्र को भुलाया जा रहा है, ऐसा सब देखते हैं क्या आप? देखिए, ये तो जो आप बातें कर रहे हैं सब राजनीतिक बातें हैं। ये राजनीति हो रही है क्या कुल मिलाकर? तो राजनीति तो निश्चित रूप से होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनीति करनी है, इसीलिए ये सारी चीजें होती है। विपक्ष का काम है आंदोलन करना, मुद्दे खोजना और उसमें आंदोलन करना, सरकार के खिलाफ माहौल बनाना, वो विपक्ष कर रही है। और सरकार का काम है अपने ढंग से काम करना। जो सिस्टम है उसका, पुलिस जो है वो एक सिस्टम में आती है, पुलिस जैसी परिस्थितियां देखती है वैसा अपना काम करती है। अगर उसे लगा होगा कि लाठीचार्ज की पोजीशन है, वहां के एसपी को लगा होगा, तो उसने लाठीचार्ज के आदेश दिए होंगे या हल्का भेद प्रहार के आदेश दिए होंगे, जिसको लाठीचार्ज भी कह देते हैं राजनीतिक भाषा में कई लोग। तो इस तरह से जो है ये सामान्य प्रक्रिया के तहत हुआ, लेकिन आंदोलन का के ऊपर यदि शांतिपूर्ण आंदोलन है, उस पर लाठीचार्ज होता है, तो निश्चित रूप से जो है गहन गंभीर बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है, सबको सब बात कहने की मैंने अनुमति है, करे अंग्रेजों की याद दिलाता है का समापन किया जाना चाहिए। जी ठीक है, ले इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह भी देखते हैं क्या? बघेल को बांध के रखना है शायद, इसलिए ये सारा घटनाक्रम ताना बाना बुना जा रहा है, ये समझते हैं क्या? ये एक राजनीति का विषय है, निश्चित रूप से राजनीति भी इसमें हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीतिज्ञ है, दोनों दलों के लोग जो है राजनीतिज्ञ है। राजनीतिज्ञ अगर राजनीति नहीं करेगा तो क्या भजन थोड़ी करेगा? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राजनीति भी होगी, और जिसके पास सत्ता होती है वो बल उसके हाथ में होता है, बातें उसके अधिकार उसके हाथ में होते हैं, और जिसके पास सत्ता नहीं होती है वो जो है वो विरोध करता है, तो वो मौके का फायदा सरकार उठाती भी है, राजनीति भी होती है, और विपक्ष भी राजनीति करता है अपने तरीके से, ताकि वो सत्ता को बदनाम कर सके। तो दोनों तरफ से राजनीति करने ही तो दोनों आए हैं ना, राजनीतिक दल है तो राजनीति करेंगे ही करेंगे। ठीक है, चलिए भोजराज जी, इसमें क्या राजनीति है? बीजेपी अपना क्या लाभ देखती है? इसमें तो नुकसान ही दिख रहा है, एक छवि बन रही है सरकार की कि वो विपक्ष को दबाना चाहती है। देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार की इसमें कोई राजनीति नहीं कर रही है। इसमें एक चीज है आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये पूरा मामला बलौदा बाजार से रिलेटेड था। जब बात वहां आई तो उसमें पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, किसी कलेक्टर ऑफिस को जला देना, किसी का मंत्रालय वहां पे जाके वहां सार्वजनिक स्तर वहां की गाड़ियों को जला देना, और उसमें किसी विधायक का अगर नाम आता है, वहां बलौदा बाजार के आसपास के भी तो विधायक थे, वो क्यों नहीं दिखे वहां पे? भिलाई के विधायक का वहां से क्या संबंध? भिलाई के लोगों, भिलाई के विधायक का वहां से क्या संबंध था? वहां बलौदा बाजार के आसपास के कांग्रेस के विधायक तो नहीं थे वहां पे, बलौदा बाजार का सिर्फ भिलाई का विधायक वहां क्या कर रहा था? एक बात।
दूसरी बात, आप बौखला गए हैं कि सीबीआई को यह मामला जो हम लोग जो आपके पूरे 5 साल उस 15 साल में, तो पूर्व की 15 साल में तो कहीं पे भी महादेव आईडी दिखा नहीं था। महादेव आईडी के जन्म देने वाली तो आप ही की सरकार है। अब जब महादेव आईडी की आपकी सरकार तो राज्य के अंदर में ये इसी प्रकरण पे भोजराज जी इसी पे बने रही है ना भाई, आखिर बघेल जी को क्यों किया जा रहा है? क्या इसमें कोई राजनीतिक लाभ देख रही है क्या बीजेपी? देवेंद्र प्रकरण अलग है, महादेव ऐप अलग है। बघेल जी हमेशा विद्रोह की राजनीति की है, बघेल जी हमेशा इसी प्रकार की राजनीति की है, लड़ाने का काम किए हैं। जब भी कोई बात आती है तो राम पे डाल देते हैं, जब भी कोई बात आती है तो बजरंग पे डाल देते हैं, अपने कर्मों को नहीं भूलते हैं। आज इनके कर्म ही है जो पिछला पूरे 5 साल यहाँ के बेरोजगार बेरोजगार रहे। सुर्खियों में बने रहने के लिए शायद इस मामले को तुल दिया जा रहा है। शिव जी क्या कहेंगे? राजनीति भी हो रही है, सुर्खियों में बना रहना है आप लोगों को। बिल्कुल ऐसा नहीं है मोहन जी, सुर्खियों में बनने का नहीं है। देश की जो अभी मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से लाइन ऑफ ऑर्डर समाप्त हो गया है, सरकार नाम की चीज नहीं है, भगवान भरोसे सरकार चल रही है। आए दिन जो है चाकूबाजी, बलात्कार और अंडरवर्ल्ड के लोग यहाँ पे जो है राजधानी में आके गोली चला रहे हैं और लूटपाट मचा रहे हैं। उस सब चीजों को देख के जनता जो है त्राहिमान हो गई है। तो इसलिए जो है भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी जो है ये मुद्दे उठा रही है और इस कारण जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार विष्णुदेव बौखला गई है। इनके हाथ में जो है कानून व्यवस्था संभाल लिया है, इसलिए जो है ये कांग्रेसियों को दमन कर रही है। फाइनल कमेंट आखिरी मिनट है, बाबूलाल जी जोर चलते हैं। बाबूलाल जी, दोनों पक्षों को सुनने के बाद क्या लग रहा है, मामला जल्दी शांत हो जाएगा या ये और तूल पकड़ेगा? अभी और इसमें कई तरीके के एंगल हमें देखने को मिलेंगे। देखिए, सत्ता और विपक्ष की लड़ाई है और इस तरह से चलती रहेगी। जब जब आंदोलन होंगे ऐसी वैसी बातें सामने आ सकती हैं। जहां तक बघेल का प्रश्न है, बघेल निश्चित रूप से जो है उसके आंदोलन करने के जो तौर तरीके हैं, जो उसका कड़ापन है, जो उसका आक्रामक रुख है, उससे थोड़ी असहज हो जाती है सरकारें। तो उसकी वजह से जरूर बघेल को बांधने का प्रयास हो सकता है। मैं ये राजनीति भी देख रहा हूँ कि हो सकता है कि बघेल जिस किसी आंदोलन में मौजूद हो वहां पर कोई ऐसी चीज की जाए जिससे राजनीतिक रूप से लाभ मिले, ये भारतीय जनता पार्टी चाहेगी। और चूंकि राजनीतिक दल है तो वो तो अपने अपना फायदा तो हर दल चाहेगा, तो निश्चित रूप से भाजपा अपने तरीके से लाभ देने का प्रयास करेगी। और आंदोलन करने के समय में भूपेश बघेल कांग्रेस की लोग जो है वो अपना फायदा देखने का प्रयास करेंगे। जी ठीक है, तो कोई भी एक मुद्दे के अलग अलग एंगल और दो पहलू होते हैं, कुछ उसी तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं और छत्तीसगढ़ में इस समय यही एक हॉट मुद्दा बन गया है। बघेल जी टारगेट में है कि नहीं है, या बघेल पर कोई राजनीति हो रही है, ये इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। हम भी इस पर नजर रखेंगे और आपको समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल समय कम है, चर्चा ही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शिव सिंह ठाकुर जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। भोजराज जी हमारे साथ थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबूलाल शर्मा जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल, बहुत नमस्कार।